hello dear students this is bhagishivankar from electronics and telecommunication department nit polytechnic nagpur welcomes you all for the last lecture of unit number 2 that is last lecture number 9 adaptive delta modulation adm from the unit pulse code modulation techniques of the subject digital communication system vision of the department to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering mission of this department is imparting quality education for to meet society and industry need. second is provide ethical and outcome-based education for the development. third is inculcating creative thinking through innovation and co- and extracurricular activities among students. fourth one is enhance the leadership skill and employability or higher, higher education. fifth is seeking continuous improvement of knowledge and skill the po that is program educational objectives the first po is provide socially responsible environment friendly students uh, solutions to electronics and telecommunication engineering related broad based problem adapting professional ethics second is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broadband technologies to work in multidisciplinary work environment third one is सोल्व ब्रॉड बेस्ड प्रॉब्लम्स इंडिविजुअली एंड एज अ टीम मेम्बर कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क ना आज का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है जो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं सो सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है सैम्पलिंग थेरम क्या होता है उसके बाद निक्विज क्राइटेरिया क्या है क्वांटाइजेशन क्या है कंपैंडिंग क्या है पी सी एम डी पी सी एम डेल्टा मॉडुलेशन और डेल्टा मॉडुलेशन में दो डिस्टॉर्शंस क्रिएट होते हैं एक स्लो पोवर और दूसरा ग्रैनुलर और इन डिस्टॉर्शंस को कम करने का जो टेक्निक है दैट इज़ नथिंग बट ए डी एम टेक्निक जो हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं सो so, आज का जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर टू से बिलोंग करता है इसलिए इसका कोर्स आउटकम जो रहेगा वो यूनिट नंबर टू का ही कोर्स आउटकम रहेगा दैट इज़ यूज वेरियस पल्स कोड मॉडुलेशन टेक्निक्स और ये जो कोर्स आउटकम है दैट इज यो टू इज मैप विद द सेवन पी और उसमें से चार पी हम सेटिस्फाई कर रहे हैं और एक पी एस ओ हम सेटिस्फाई कर रहे हैं इसके बाद लर्निंग आउटकम्स मीन्स आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमें कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी मिलने वाली है हमारे कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर uh, होने वाले हैं सो वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एडीएम डिस्क्राइब द एडीएम ट्रांसमीटर ए डी एम रिसीवर क्या होता है उसके बाद में ए डी एम के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस हम समझ सकते हैं नाउ ए डी एम का यूज़ कहाँ पे होता है इट इज़ अ सिस्टम विथ एडाप्टेबल साइज अब एडाप्टेबल का मतलब मैंने बताया कि जिसमें चेंज वो अपने हिसाब से कर सकता है अगर ओरिजिनल सिग्नल का स्लोप बहुत ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली साइज बढ़ जाएगी और अगर ओरिजिनल सिग्नल का स्लोप बहुत कम है या कांस्टेंट है तो ऑटोमेटिकली स्टेप साइज कम हो जाएगी इसीलिए उसको एडाप्टेबल कहा गया है इन एडिया एडियम स्टेप साइज इज नॉट कांस्टेंट व्हेन स्लोप ओवर ऑकर्स स्टेप साइज बिकम्स लार्जर है ना यानी जैसे ही स्लोप ज़्यादा होता है बढ़ जाता है तो स्टेप साइज क्या हो जाती है आ, बढ़ जाती है और ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है वेन द इनपुट सिग्नल इज़ वेरिंग स्लोली द स्टेप साइज इज reduced, द स्टेप साइज इज एडाप्टेड एज पर द लेवल ऑफ़ द इनपुट सिग्नल यानी इनपुट सिग्नल के हिसाब से स्टेप साइज चेंज होता है इसलिए उसको adaptable कहा जाता है एडीडियम इज स्पेशली यूज टू रिड्यूज़ द स्लो पोहर डिस्टॉर्शन इन डेल्टा मॉड्यूलेशन इसके बाद में अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे कि आपने डेल्टा मॉड्यूलेशन का भी ट्रांसमीटर देखा है और अभी ये एडीएम का तो ये दोनों भी डायग्राम सेम है, बस वहाँ पे डेल्टा मॉड्यूलेशन में अप डाउन काउंटर था यहाँ पे और इंस्टेड ऑफ़ दैट अप डाउन काउंटर अभी यहाँ पे एक सर्किट लगाया गया है स्पेशल वो, वो सर्किट होता है डिजिटल प्रोसेसर ये डिजिटल प्रोसेसर जो होता है वो सिर्फ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से अगर स्लोप ज़्यादा है तो स्टेप साइज को इंक्रीज किया जाता है और स्लोप अगर कम है तो स्टेप साइज़ को डिक्रीज़ किया जाता है लेकिन कितने से डिक्रीज़ करना है या कितने से इंक्रीज करना है इसके लिए कुछ लॉजिक होता है जो कि इस डिजिटल प्रोसेसर में सेव किया रहता है उसको यूज़ करके ही वो स्टेप साइज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है अब यहाँ पे देखिए सेम डिस्टॉर्शन वाला जो डायग्राम हम लोगों ने देखा था वो सेम डायग्राम यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है बस यहाँ पर चेंज इतना दिखाया गया है कि ये जो फिफ्थ नंबर का क्लॉक है देखिए यहाँ पर ये फिफ्थ नंबर का क्रॉप मैं इसलिए दिखाने वाली हूँ क्योंकि फर्स्ट से लेके फिफ्थ नंबर तक स्टेप साइज बिल्कुल कांस्टेंट है डेल्टा से इंक्रीज़ हुआ है और डेल्टा से ही डिक्रीज हुआ है फिर उसे डेल्टा से ही इंक्रीज़ हुआ है तो फिफ्थ नंबर पे जो स्टेप का साइज है वो है डेल्टा लेकिन सिक्स नंबर पे दे... स्टेप का साइज कितना हो गया है ट्वाइस ऑफ डेल्टा टू टाइम्स डेल्टा अब उसको ये कैसे पता चला या इसने एडीएम में ऐसा क्या टेक्निक है कि वो कैसे कैलकुलेट करता है कि स्टेप साइज ने डबल ट्वाइस ऑफ डेल्टा होना चाहिए अब यहाँ पे हमको तो दिख रहा है कि ओरिजिनल सिग्नल का स्लोप अचानक बढ़ गया है यहाँ पे जैसे ही स्लोप इंक्रीज़ होता है स्टेप साइज भी इंक्रीज़ होता है लेकिन वो कितने से इंक्रीज़ होना चाहिए वो किस पर डिपेंड करता है अभी कुछ लॉजिक पर डिपेंड करता है लेकिन अभी हम देखना अभी आप लोग थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट कीजिए कि फिफ्थ नंबर पर डेल्टा यानी स्टेप साइज था डेल्टा सिक्स नंबर पे हमारा स्टेप साइज हमको लाना है अभी ट्वाइस ऑफ डेल्टा यानी हम कैलकुलेट जब करेंगे तो यही आंसर आना चाहिए इसके बाद फिफ्थ नंबर के क्लॉकपल्स पे देखिए ओरिजिनल सिग्नल जो है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल इसका मतलब एस जीरो की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे वन और सिक्स नंबर के भी यहाँ पे देखिए आप सिक्स नंबर पे अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल जो है यहाँ पे यहाँ पे वो छोटा है और ओरिजिनल सिग्नल बड़ा है इसका मतलब सिक्स नंबर पे भी एस ज़ीरो टी की वैल्यू क्या रहेगी वन तो अभी ये मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है उसमें हमको ये वैल्यू स्पूटअप करनी है तो वह स्टैंडर्ड फार्मूला जो दिया गया है कि स्टेप साइज को कैसे कैलकुलेट करना है डेल्टा के K, K का मतलब जिस इंस्टेंट पे या जिस लोकेशन पे हमको स्टेप साइज फाइंड आउट करना है जैसे अभी हमें सिक्स नंबर के क्लॉक uh, पल्स पे फाइंड आउट करना है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्स अब डेल्टा यानी उसका स्टेप साइज हमें फाइंड आउट करना है तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या दिया गया है डेल्टा के माइनस वन यानी के माइनस वन कितना हो जाएगा सिक्स माइनस वन यानी फाइव तो फिफ्थ लोकेशन पे स्टेप साइज कितना था डेल्टा की वैल्यू कितनी थी फिफ्थ लोकेशन पे स्टेप साइज कितना था डेल्टा इंटू एस जीरो के इंटू एस जीरो के का मतलब सिक्स लोकेशन पे एस ज़ीरो की वैल्यू क्या है सिक्स लोकेशन पे अगर आपने चेक किया तो आपका ओरिजिनल सिग्नल बड़ा है एज़ कंपेयर टू अप्रोक्सिमेटेड सिग्नल और जब जब ओरिजिनल सिग्नल बड़ा होता है अप्रॉक्सिमेटेड सिग्नल से तो एस ज़ीरो की वैल्यू क्या आती है वन इसका मतलब ये पूरे फैक्टर के यानी एस ज़ीरो सिक्स के की वैल्यू अभी हम क्या लेंगे सिक्स क्योंकि हमको सिक्स नंबर के लोकेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो एस ज़ीरो सिक्स की वैल्यू रहेगी वन वन इंटू फिफ्थ लोकेशन पर डेल्टा की वैल्यू क्या थी डेल्टा यानी स्टेप साइज था डेल्टा तो डेल्टा इंटू वन डेल्टा हो गया यहाँ पे प्लस दिस डेल्टा प्लस दिस डेल्टा इंटू एस ज़ीरो के माइनस वन अब एस ज़ीरो के माइनस वन का मतलब क्या है एस ज़ीरो के माइनस वन यानी फिफ्थ फिफ्थ लोकेशन पे आउटपुट क्या था फिफ्थ लोकेशन पे भी ओरिजिनल सिग्नल बड़ा था एज़ कम्पेयर टू अप्रॉक्सिमेटेड सिग्नल तो इसकी भी वैल्यू हमेशा क्या आएगी वन आ रही है तो वन इंटू डेल्टा डेल्टा और इसकी भी वैल्यू हमारी डेल्टा ही तो डेल्टा प्लस डेल्टा ट्वाइस ऑफ डेल्टा यानी सिक्स लोकेशन पे स्टेप साइज कितना होना चाहिए टू टाइम्स डेल्टा तो अभी यहाँ पे मैंने सबके मीनिंग दिए हुए हैं डेल्टा के का मतलब है स्टेप साइज एट द केथ एज डेल्टा के माइनस वन का मतलब स्टेप साइज एट द के माइनस वंथ क्लाक एज एस ज़ीरो के का मतलब है आउटपुट एट के क्लॉक एज और डेल्टा का मतलब होता है बेसिक स्टेप साइज है ना और एस ज़ीरो के माइनस वन का मतलब है आउटपुट के माइनस वंथ क्लॉक एज तो अगर हमने सिक्स लोकेशन पे हमको फाइंड आउट करनी है तो के की वैल्यू सिक्स हो जाएगी और के माइनस वन की वैल्यू फ़ाइव हो जाएगी तो हमको इन दोनों को कंपेयर करना सेवन का अगर मुझे निकालना है स्टेप साइज़ तो के की वैल्यू सेवन हो जाएगी और के माइनस वन की वैल्यू सिक्स हो जाएगी तो इस हिसाब से ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुटअप करके अगर हम ये फार्मूला करते हैं तो अभी देखिए के की वैल्यू अगर सिक्स है तो के माइनस वन की वैल्यू फाइव हो जाएगी और ये फार्मूला वाइज अगर हमने कैलकुलेट किया और उसमें अगर वैल्यू रख दी तो डेल्टा प्लस डेल्टा यानी टू टाइम्स डेल्टा सिक्स लोकेशन पे आ जाएगी स्टेप साइज इसकी वजह से ही स्टेप साइज जो है वो ए में वेरिएबल होते जाता है और इसकी वजह से ही हमारा स्लोप और डिस्टोर्शन जो है वो कम होता है इसकी वजह से बैंडविड्थ का जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम होता है अब यहाँ पे देखिए एडीएम रिसीवर ए डी एम रिसीवर का जो डायग्राम है वो ए डी एम ट्रांसमीटर से ही बना हुआ है एग्जैक्टली उल्टा रिवर्स प्रोसेस में आना है हम लोगों को तो एडीएम का जो आउटपुट है वो ट्रांसमीटर का जो आउटपुट है उसमें अगर नॉइस ऐड हो जाता है तो वापस वो हम देंगे डिजिटल प्रोसेसर को डिजिटल प्रोसेसर का आउटपुट कहाँ पे जाता है डी टू ए कन्वर्टर को और अगर एनालॉग में हमको वैल्यू मिल गई तो हमें पता है कि लो पास फिल्टर से अगर हम वैल्यू पास करते हैं तो हमको हमारा ओरिजिनल सिग्नल मिलता है और यहाँ पे रिसीवर और ट्रांसमीटर ये दोनों सिंक्रोनाइज़ होना बहुत ज़रूरी है सिंक्रोनाइज़ का मतलब जिस स्पीड से यहाँ पे काम हो रहा है रिसीवर पे उसी सेम स्पीड से ट्रांसमीटर से डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए है ना तो दोनों का स्पीड अगर मैच होगा तो ही हमारा पल्सेस जो है वो प्रॉपरली हमारा सिग्नल जनरेट होता है इसके बाद हम एडवांटेजेस देखेंगे कि एडवांटेज क्या है सर्किट के कि स्लोपोर डिस्ट्रशन और ग्रेनुलर नॉइस रिड्यूस होता है इसके बाद सिग्नल टू नॉइस इम्प्रूव होता है वेरिएबल स्टेप साइज की वजह से डायनामिक uh, रेंज मिलती है हम लोगों को वाइड रेंज मिलती है काम करने के लिए इसके बाद जो बैंडविड्थ है दो फ्रिक्वेंसीज़ का डिफरेंस उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है इसके बाद डिसएडवांटेज क्या है अगर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है अगर ओरिजिनल सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो एडी एम ये काम नहीं करेगा क्योंकि स्टेप साइज वैरी नहीं होगी और स्टेप साइज अगर वैरी नहीं होगी तो सिर्फ उसमें कौन सा नॉइज़ जनरेट होगा ग्रैनुलर नॉइज़ यानी वो हमेशा ग्रैनुलर नॉइज़ को जनरेट करते ही रहेगा सो वी कैन समराइज़ दिस टॉपिक कि हमने क्या क्या पढ़ा हमने देखा कि डेल्टा मॉडुलेशन के जो दो डिसएडवांटेजेस हैं एक है स्लोपोर डिस्टॉर्शन और दूसरा है ग्रैनुलर नॉइज़ उसको कैसे हम एडाप्टिड डेल्टा मॉडूलेशन के कॉन्सेप्ट को, को पढ़ के कम कर सकते हैं इसके बाद हमने अडाप्टिड डेल्टा मॉडूलेसन का ट्रांसमीटर पढ़ा उसका रिसीवर देखा उसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस और हमने वेवफॉर्म देखी जिसमें हम अलग अलग क्लॉक पल्स पे कैसे डेल्टा यानी स्टेप साइज की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है उसका फॉर्मूला भी देखा ठीक है सो थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसके बाद में हम हमारा थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं Uh, जिसका पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक तो डियर स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो